वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, पार्ट सेकंड है भारत के इतिहास का। इससे पहले पार्ट वन हो चुका है और सेकंड पार्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ आरओ री एग्ज़ाम के लिए, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी के कोई एग्ज़ाम, इन सभी के लिए जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, इन तीनों के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 1600 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, और आरओ आरओ री एग्ज़ाम प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 800 रुपये में। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे वहां पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले जो सीरीज मैंने इस चैनल पर स्टार्ट की है वो दोपहर 1 बजे की है, और रात को ये जो प्रैक्टिस करें इसके साथ में पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। अब ये जो सीरीज चल रही है वो आरओ आरओ री एग्जाम और यूपी पीसीएस के लिए भी है, बाकी जो भी क्लासेस चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 161st क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए विद्रोह के बारे में कौन से कथन गलत दिए गए हैं ये बताना है। पहला कथन है वे राष्ट्रीय एकजुटता के शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे। सेकंड है कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इन विद्रोहों का समर्थन किया लेकिन उनकी रणनीति और समय प्रबंधन की निंदा की। थर्ड है गांधी की राय में यदि विद्रोहियों को लग रहा था कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर रहे थे तो वे बिल्कुल गलत थे। इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन गलत था। ये क्यों गलत थे? देखिए, जो विद्रोह पहले हो चुके थे उनसे बिल्कुल अलग थे, ठीक है, ये शांतिपूर्ण एकजुटता के प्रदर्शन वाले नहीं थे, ये हिंसक चुनौतियों से भरे हुए थे। और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है, कांग्रेस ने इन विद्रोहों में अपनाई गई रणनीति और सामिक जो परिस्थिति है इनकी वजह से इन पर जो अपना समर्थन है या अपना विरोध है वो प्रदर्शित के समर्थन नहीं किया, तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इसे गैर मुस्लिम वोटों का 80% से अधिक मिला। सेकंड, इसने सेंट्रल असेंबली में 102 सीटों में से अधिकांश सीटों पर कब्जा कर लिया। थर्ड स्टेटमेंट है प्रांतीय चुनाव में NWFP और असम को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला। ये 1945 में जो चुनाव हुए थे कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में सही कथन बताना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। प्रांतीय चुनाव में बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में इसे बहुमत मिला था। कांग्रेस के बहुमत वाले प्रांतों में NWFP और असम शामिल थे, जिनसे पाकिस्तान को सृजित करने के लिए दावा किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, से जो ये चुनाव है 1945 का, उसमें मुस्लिम लीग के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ध्यान रखिएगा। तो पहला कथन है इसे 80% से अधिक मुस्लिम वोट मिले। सेकंड, इसने सेंट्रल असेंबली में 102 सीटों में से अधिकांश सीटों पर कब्जा कर लिया। थर्ड, प्रांतीय चुनाव में से NWFP और असम में बहुमत मिला था। बताइए इनमें से कौन सा कथन है, अर्थात कौन से उत्तर सही होंगे जो गलत दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि केंद्रीय विधानसभा की आरक्षित सीटों पर इसमें से 30 सीटों पर इनका कब्जा हुआ था। प्रांतीय चुनावों में इन्हें बंगाल और सिंध में बहुमत मिला था, इसलिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और इनको 86.6% मुस्लिम वोट मिले थे, मतलब 80% से ज़्यादा मुस्लिम वोट इन्होंने हासिल किए थे। 164th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी ए बी अलेक्जेंडर और ऑप्शन डी है वेवल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेवल नहीं थे।
165 क्वेश्चन है, फरवरी 1946 के कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह ब्रिटेन में क्लीमेंट इटली के प्रधानमंत्री तो काल के दौरान शुरू किया गया था। सेकंड, स्टेफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे। तो ये जो इसके अध्यक्ष थे ये गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट। पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे, तो दूसरा कथन गलत है। जबकि पहला कथन इसमें सही दिया गया, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा कथन गलत है और पहला सही है। अगला प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत कौन सा कथन गलत है बताना है। ऑप्शन ए, इसने एक पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। सेकंड, इसने प्रांत खंड और संघ स्तरों पर त्रिस्तरीय कार्यकारी और विधायिका की सिफारिश की। थर्ड, इसने सिफारिश की कि एक सामान्य केंद्र रक्षा संचार बाह्य मामलों और शिक्षा को नियंत्रित करेगा। ये प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त थी। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि शिक्षा केंद्र का हिस्सा नहीं था, ठीक है, बाकी सारे कथन सही हैं। 168 क्वेश्चन देखते हैं, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। कथन दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने इटली के वक्तव्य में भारत से निकासी के लिए 20 फरवरी 1947 की तिथि निश्चित की थी। कारण है, क्योंकि सरकार बढ़ रहे संवैधानिक संकट को टालने की इच्छुक थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है, 169 क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के बारे में कौन से कथन गलत दिए गए हैं ये बताना है। पहला कथन है, अंग्रेज केवल एक केंद्र सरकार को सत्ता सौंप देंगे और स्वायत्त प्रांतीय सरकारों के विचार को खारिज कर दिया। सेकंड, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनी रहेंगी। थर्ड, यदि संविधान के सृजन के तौर तरीके आम सहमति से नहीं बने तो अंग्रेज भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित नहीं करेंगे। इसमें से जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों कथन गलत दिए गए हैं। पहला कथन क्यों गलत है वो भी देख लीजिए, यदि केंद्र सरकार का गठन पूर्ण प्रतिनिधित्व से नहीं होता, यानी अगर मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों में शामिल नहीं होते, तो ब्रिटिश सत्ता या केंद्र सरकार के कुछ भागों को या मौजूदा प्रांतीय सरकारों को कुछ क्षेत्रों में सत्ता सौंप दी जाएगी। पहला कथन इसलिए गलत हो गया। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ब्रिटिश शक्तियाँ और उनकी बाध्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें किसी भी उत्तराधिकारी सरकार को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। थर्ड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इटली ने ब्रिटिश सरकार के जून 1948 के बाद की तारीख तक जिम्मेदार भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए आवश्यक निश्चित कदम उठाने के बारे में ऐतिहासिक घोषणा की थी, और यह सत्ता का बिना शर्त हस्तांतरण था, इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला, 15 अगस्त 1947 को तत्काल प्रभाव से स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की। सेकंड, इसने भारत शासन अधिनियम 1935 को नए संविधान सृजित किए जाने की अवधि तक जारी रखने का प्रावधान किया। थर्ड, इसने ब्रिटेन के राजा को भारत का सम्राट घोषित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। 171 क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? फर्स्ट है, माउंट बेटन वायसराय के रूप में वेवेल की जगह लेंगे। सेकंड है, बयानों में देश के विभाजन और यहाँ तक कि बाल्कनकरण के स्पष्ट संकेत थे। इसमें से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 172 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, इसका जो कथन और कारण दिया गया वो देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इटली के 20 फरवरी 1947 के वक्तव्य में भारत से निकासी की तारीख तय की। कारण है, क्योंकि सरकार को उम्मीद थी कि एक निश्चित तारीख मुख्य सवाल पर दोनों पक्षों को एक समझौते में झटका देगी। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, और आर ए का उपयुक्त स्पष्टीकरण भी है। अगले प्रश्न में सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, इटली की घोषणा में बताए गए सत्ता हस्तांतरण को एक से अधिक केंद्रों को देने का प्रावधान कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं था। सेकंड, इटली की घोषणा ने मौजूदा गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता पेश किया। इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न में फिर से सही उत्तर का चयन करना है। 20 फरवरी 1947 को इटली के वक्तव्य पर निम्नलिखित भारतीय प्रतिक्रिया पर विचार करें। पहला, लीग ने इटली की घोषणा के बाद पंजाब में गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सेकंड, इटली की घोषणा में किया गया प्रावधान कांग्रेस के लिए स्वीकार्य था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट राइट है। 175 क्वेश्चन है, कथन है, माउंट बेटन अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में निर्णय लेने में अधिक दृढ़ और त्वरित साबित हुए।
कारण है इसका क्योंकि ब्रिटिश सरकार जल्द से जल्द सत्ता त्यागना चाहती थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? और राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है और आर ए का उपयुक्त स्पष्टीकरण है। 176 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है दो प्रभुत्व और दो घटक विधानसभाएं बनाई जाएंगी। सेकंड है NWFP और बंगाल के सिलहट जिले में रेफरेंडम। अब इन दोनों कथनों का संबंध किससे? माउंट बेटन योजना, वेवेल, कैबिनेट मिशन या क्रिप्स मिशन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट बेटन प्लान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला कथन है कांग्रेस माउंट बेटन योजना के अनुसार भारत के लिए अधिराज्य की स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। इसका कारण है क्योंकि यह सत्ता का शांतिपूर्ण और त्वरित हस्तांतरण सुनिश्चित करने वाला था। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। 178 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। पहला, यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। सेकेंड है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन स्वतंत्र अधिराज्य राष्ट्रों के निर्माण के लिए अधिनियम प्रदान किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन सही नहीं है क्योंकि 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जो माउंट बेटन प्लान पर आधारित था और अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली थी 18 जून 1947 को। ये चीज़ याद रखनी है। और इसको लागू कब किया गया तब याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को। और ये अधिनियम 15 अगस्त 1947 से भारत दो भागों में हो गया था, पाकिस्तान और भारत, तो दो स्वतंत्र प्रभुत्वों का निर्माण हुआ, ना कि तीन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संबंध में सही विकल्प चुनना है। एक, एकीकृत घटक विधानसभा को दोनों प्रभुत्वों की विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करना था जब तक कि नई संविधान सभाएं नहीं बन जाती। सेकंड, दोनों प्रभुत्व की सरकारों को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार कार्य करना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत हैं। दोनों कथन क्यों गलत है वो देखिए, तो प्रत्येक अधिराज्य में अधिनियम के प्रभावी संचालन के लिए जिम्मेदार होने के लिए गवर्नर जनरल होना था। प्रत्येक नए अधिराज्य की संविधान सभा उस प्रभुत्व की विधायिका की शक्तियों का उपयोग करना था और मौजूदा केंद्रीय विधानसभा और राज्यों की परिषद को स्वचालित रूप से भंग किया जाना था। पहला कथन गलत हो जाएगा। और ये दोनों प्रभुत्व की सरकारें हैं, इनको ये जो अधिनियम है 1947 का, ये गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार कार्य करना था। क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला कथन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। और बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। सी, एम ए जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। और डी, है भारत ने संविधान के पूर्ण होने तक सिराज गोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाने का निर्णय लिया। यहाँ पर जो गलत है कथन वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के रूप में जारी रखने का अनुरोध करने का निर्णय लिया था, इसलिए ये कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट हो गए हिस्ट्री के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं या अपने सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।